and Pagri to Project Director Shri. Honored to have amongst us Project Director Samagra Shri, August present, and I am profusely elated to welcome you. Along with him, मैं मनु गोयल, जॉइंट डायरेक्टर श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी, आए हुए स्कॉट टीचर्स, आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू ओवर हियर फॉर द यूटी लेवल कला उत्सव कंपटीशन 2023। मैं ये और भी गहराई से कहा गया है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो रोट लर्निंग से हम एक्सपोनेंशियल लर्निंग आए, और जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना है उसमें वो चाहे आपकी स्किल है, आर्ट है, उस सबके लिए क्रेडिट पॉइंट्स हैं। तो हमारी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके लिए आर्ट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, जैसे आपको लग रहा है कि आज यूटी लेवल कला उत्सव के कंपटीशंस होने जा रहे हैं, यहाँ जूरी मेंबर्स जो हर जोन से, हर स्कूल से लोग आए हैं, जिनको हमने जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर डिवीज़न लेवल पे जिनको हमने सिलेक्ट किया है, आज यूटी लेवल कंपटीशन है आज और कल। यहाँ से बच्चे जो सबसे अच्छे बच्चे तो सारे अच्छे टैलेंटेड है जो इस स्टेज तक आ गए, लेकिन यहाँ से जो बच्चे निकल के आएंगे वो नेशनल लेवल पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे वो किस हद तक अपना जो लोहा है मनवाएंगे। लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और लगता है कि इस साल वो इससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नेशनल लेवल पे कर। देखिए, स्कूल अब स्कूल ही नहीं रहा, टीचर का रोल अब टीचर ही नहीं रहा, टीचर हैज़ टू बी ए मेंटर, टीचर ही हैज़ टू बी ए गार्डियन एंड टीचर हैज़ टू बी ए फ्रेंड। अब टीचर का रोल क्या है, टीचर हैज़ टू आइडेंटिफाई द टैलेंट इन द जो बच्चे हैं हमारे पास, दे हैव टू कैच द टैलेंट यंग, एंड उस टैलेंट को हम
अच्छी तरह से तराशना चाहते हैं ताकि हम अपनी सोसाइटी को एक बेहतरीन प्रोडक्ट देना चाहते हैं। बच्चों को एक बड़ा प्लेटफार्म मिल सकता है, जो जिसके पास जो टैलेंट होगा वो एक बड़े प्लेटफार्म में करके अपनी परफॉर्मेंस करके उससे थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है और जो उसकी घबराहट है और जो उसका अंदर का फियर है वो ख़त्म हो जाता है और सामने आ जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, यूटी लेवल पे, और उसको बड़ा एक्सपोजर मिलता है और देन ही गोज़ हिज वे अलॉन्ग।